ओके गाइस, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टॉक मार्केट का जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें से टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अगर आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, स्टॉक मेंटर एकेडमी के चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 6 के नाम से। वहां पे आपको सारा लेक्चर्स मिल जाएगा जो भी हम लोगों ने इसमें समझा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना हार्मोनिक ट्रेडिंग, कि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने आप लोगों को क्लास में हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में भी बताया था। अगर आपने हार्मोनिक ट्रेडिंग का लेक्चर पहला वाला नहीं देखा तो वो भी अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते हो। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें से मैंने आपको बैट समझा दिया था, बटरफ्लाई समझा दिया था, गार्टली समझा दिया था, साइफर भी समझा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्रैब हार्मोनिक पैटर्न्स और डीप क्रैब हार्मोनिक पैटर्न्स, कि ये क्रैब क्या होता है, डीप क्रैब क्या होता है, इसको किस तरीके से चार्ट पे लगाया जाता है, क्या इसका एंट्री पॉइंट होता है, क्या टारगेट पॉइंट होता है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रैब पैटर्न के जो हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स हैं सबको लगाने का तरीका सेम है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो ए बी लेग, बी सी लेग, सी डी लेग के जो रूल्स हैं, वो अलग अलग होते हैं हर एक पैटर्न्स के। आपको बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। अब जिस पैटर्न्स के हिसाब से जो रूल मार्केट में फिट हो जाएगा वहां पे वो पैटर्न लग जाएगा, और उसके हिसाब से हमारा एंट्री होगा, उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्या है, क्रैब पैटर्न के रूल। अब सारे पैटर्न में क्या होता है, हमारा एक्स है इंपल्स लेग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ, और ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपको मैंने ये भी समझा था कि आप हार्मोनिक पैटर्न्स को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, हर एक टाइम फ्रेम पे ये प्रॉपर काम करता है। बस ध्यान क्या रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर मार्क होना चाहिए, अगर वो मार्क नहीं होगा तो फिर आप सही तरीके से इसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक्स से इम्पल्स ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी एक इम्पल्स को एक्स से मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो हमारा इम्पल्स है इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा कि ये हमारा इम्पल्स ले गया, और इस इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नाम दे देते हैं कि ये जो हमारा क्या है, इम्पल्स ले गया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे। हमारे पास टूल भी मिल जाता है लगाने का, बट पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ, फिर टूल से भी लगा के समझा दूंगा। अभी ये क्या है, हमारा एक्स से हो गया इम्पल्स लेग। अब देखो एक्स से जब हमारा इम्पल्स लेग हो जाता है उसके बाद हमारा क्या बनता है, ए बी बनता है। अब फिबोनाची के हिसाब से ए बी कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 61 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स कौन सा है, ये है। अब हम लोग इसमें फिबोनाची लगाएंगे, और ये मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से फिबोनाची लगाकर देखते हैं कि ये कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जैक्टली किस परसेंट को लेके टच कर रहा है, ये 50 का लेवल है, उसके बाद ये हमारा 61 है। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, और जैसे नीचे है ये 61 के लेवल को यहाँ पे टच किया, और यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो गया। रूल क्या बोलता है, मिनिमम 38 से होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो ये येल्लो वाला लाइन जो आपको जो दिख रहा है ये हमारा 38 का लेवल है। तो प्राइस 38 को भी टच करके ऊपर चला जाए तो भी काम करेगा, 50 को भी टच करके ऊपर चला जाए तो भी काम करेगा, मैक्सिमम 61 को टच करके जाना चाहिए। अगर ये और नीचे आ गया, 78 को टच करके जाता तो हमारा यहाँ पे पैटर्न वैलिड नहीं होता। ये किस लेवल को टच करके गया, 61 को। तो यहाँ पे जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न का दूसरा रूल है, क्रैब पैटर्न का ए बी 61 होना चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। मतलब ये जो हमारा ए बी है, यहाँ पे हमारा अभी बी होने वाला, तो ये परफेक्ट है। बट यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 61 के नीचे एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ ए बी रिट्रेसमेंट शुड लोअर देन 61, इसका मतलब क्या होता है कि 61 के नीचे अगर एक भी कैंडल का क्लोजिंग हो गया ना, मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर ज्यादा है। सेलर जब ज्यादा होंगे तो ये पैटर्न ज्यादा फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। 61 के ऊपर क्लोजिंग मिले और यहीं से रिट्रेस होना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि बायर ने उसको इसके नीचे नहीं आने दिया, तभी पैटर्न की एक्यूरेसी सही होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, बी लेग कंप्लीट हो चुका है। तो एज सिंपल एज डेट, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना, बी लिख देना। रूल के हिसाब से हमारा ए बी परफेक्ट बन चुका है। अब ए बी के बाद हमारा क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बी सी बनेगा। अभी क्या था, एक्स ए ए बी, अब ये हमारा क्या होने वाला है, बी सी होने वाला। अब हम लोग रूल देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए। बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। तो ए बी कौन सा है, ये है हमारा ए बी। मतलब अभी जो हम लोग यहाँ पे ए बी का फिबोनाची लगाएंगे, ये मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो बस लगाने का सिंपल तरीका है, टॉप से लेकर बॉटम तक लगा देना है, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं तो।
अभी देखो ये आपको 88 का लेवल दिख रहा है, प्राइस एग्जैक्टली 88 के लेवल को यहाँ से ऊपर जाके टच किया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। रूल क्या बोलता है, मैक्सिमम 88 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसको टच किया, 88 को, उसी से तो नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा बीसी लेग है वो रूल के हिसाब से परफेक्ट है क्रैप का। आई होप अभी आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा जो बीसी है ये भी सही है। बस तो क्या करना है, यहाँ पे सी लिख देना है। अब जैसे ही हमारा बीसी लेग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग का दूसरा लेग बनता है नीचे की तरफ सी डी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, एक्स ए बन चुका है, ए बी बन चुका है, बी सी बन चुका है, सी बनेगा, सी के बाद अब हमारा नीचे की तरफ डी बनने वाला है। अब रूल देखेंगे, सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए। किसका, एक्स ए का। एक्स कौन सा है, ये है, ए कौन सा है, ये। इसका फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए। तो क्या करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पे फिबोनाची लगा के चेक करना है कि ये कितना परसेंट से रिट्रेस हुआ। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस फिबोनाची लगाना है। एक्स ए बोल रहा है तो एक्स का बॉटम ए का टॉप यहाँ लगा देना। अब 1.618 के लेवल को आप सर्च कर लो। आप यहाँ पे देखो जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली क्या है, 1.618 का लेवल है। यहाँ से प्राइस यहाँ पे हमारा क्या बनता है, डी पॉइंट बनता है और हम लोग डी पे ही एंट्री करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों को क्या हुआ, रूल के हिसाब से यहाँ पे सारे पैटर्न को मार्केट ने फुलफिल कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करके डायरेक्ट टूल लेता हूँ और टूल के हिसाब से यहाँ पे क्या करता हूँ, पैटर्न को लगा देता हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बस अभी रफली समझा था फिबोनाची लगा लगा कर, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में या जहाँ भी आप चार्ट देखते हो हर जगह आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको लगा के डायरेक्ट कर सकते हो। ये हमारा कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। 61 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिबोनाची से भी हम लोगों ने लगाया था, 61 ही आया था। मतलब बिल्कुल ये फिबोनाची के लेवल्स को यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। अभी आप ऊपर देखना, ये एग्जैक्टली थोड़ा सा 89 हो गया, इसको मैं अभी 88 कर देता हूँ। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, और ये हमारा कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए, मतलब 1.61 होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 1.61 है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, ये पैटर्न प्रॉपर लग चुका है। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने पैटर्न लगा दिया, हम लोगों का एंट्री कहाँ बनता है, डी पॉइंट पे, क्योंकि पैटर्न क्या बोलता है, कहाँ पे एंट्री लेने बोलता है, डी पे। तो हम लोग डी पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक पी आर जेड जोन बनाना है। सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया, हम लोगों ने रूल लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर जेड जोन बनाएंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी आर जेड। पी आर जेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो पी आर जेड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एवरी हार्मोनिक पैटर्न पजेसेस अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से पैटर्न को क्या होता है, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होते हैं हर एक पैटर्न से एक पी आर जेड जोन बनाते हैं। और वो जोन क्या बताता है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद अ हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल माइट टेक प्लेस। रिवर्स मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में बन जाएगा, और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ से क्या होगा, अप ट्रेंड में हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना चार्ट कौन से ट्रेंड में है, यहाँ से अभी प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में, मतलब कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। और पी आर जेड जोन के अंदर एंटर किया तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइस अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता तो ये क्या होता, अप ट्रेंड में था, तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता। तो अभी हम लोगों ने पी आर जेड जोन बना लिया, हम लोगों ने अपना डी पॉइंट बना लिया कंप्लीट। अब हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री भी कर लिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस हम लोगों को डी के नीचे लगाना है। ठीक है, अगर हम लोग सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो, अगर ये अभी क्या है, बुलिश है, अगर सेम अगर हम लोगों का बियरिश बनता है, डी कहीं ऊपर में बनता है, तो हम लोग डी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब टारगेट को मार्क करना है, पहला टारगेट क्या होगा, पॉइंट बी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पॉइंट बी के टारगेट को मार्क कर देते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट बी, आप देख सकते हो पॉइंट बी है। तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट क्या होता है, पॉइंट सी। अब पॉइंट सी को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, ये हम लोगों का सेकंड टारगेट। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा है, तो ये जो सेम टारगेट आपको एक दिन में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सेम डे टारगेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको पोजिशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एंट्री किया। अब हम लोगों का फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट टारगेट हम लोगों का बन रहा है 286 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस हम लोगों का कितने पॉइंट का बना, ज्यादा से ज्यादा अगर आप 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्केट ने आपका, आपने एंट्री कब किया, 6 जनवरी को 1:15 पे। आपका टारगेट कब कंप्लीट हुआ, 9 जनवरी को,
मंडे के दिन 10:15 पे, मतलब नेक्स्ट डे ही आपका पोजीशन में क्या हो गया, आपको टारगेट मिल गया, क्योंकि ये फ्राइडे का चार्ट है देख सकते हो, और ये मंडे के दिन आपको टारगेट मार्केट ने दे दिया। तो ये सिंपल सा क्या था, क्रैप पैटर्न था। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते तो आपको पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने आपको सेकंड टारगेट नहीं दिया क्योंकि सेलिंग प्रेशर आई था। फर्स्ट टारगेट मार्केट आपको 100% देगा, 10 बार में 8 से 9 बार आपको फर्स्ट टारगेट मार्केट तो यूं दे देगा। सेकंड टारगेट आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, अभी आपने यहाँ किया, अब आपका स्टॉप लॉस ये वाला लेवल होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा, इस कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पोजिशन से निकल जाओ। आपको फर्स्ट टारगेट मार्केट ने 286 पॉइंट का निफ्टी में इनफ होता है, इनफ होता है अगर आपको एक दिन के अंदर में इतना पॉइंट मिल गया तो। अब सिंपल देखो ना, फ्राइडे के दिन आपने एंट्री किया था और मंडे के दिन आपको 286 पॉइंट का मूव मिला है, तो ये बहुत इनफ है। अगर आप आराम से, अगर इंट्राडे ट्रेडर भी है, एक दिन आपको ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ओवरनाइट में थोड़ा सा रिस्क होता है, आप ध्यान रखना कि कोई भी निगेटिव पॉजिटिव न्यूज मार्केट में नहीं आने वाला हो। अगर न्यूज का कोई सेंटिमेंट होगा तो मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऐसा कोई इवेंट ना हो, मार्केट अगर टेक्निकली चलेगा तो मार्केट गैप अप ही खुलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है ऑलरेडी। आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ से प्राइस पहले सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जा चुका है, तो आपको पता है कि पास्ट में जहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया है, अभी भी वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दो कन्फर्मेशन मिलता है, एक तो हम लोगों को सपोर्ट के हिसाब से भी पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, दूसरा हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ये था हमारा क्रैप पैटर्न। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना, कमेंट नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइव क्लास भी मैं लेता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग एक डाउट सेशन कर लेंगे और आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्रैप पैटर्न समझ लिया। क्रैप पैटर्न के बाद अब हम लोग समझने वाले हैं डीप क्रैप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीप क्रैप कैसे होता है। एक चीज हमेशा माइंड में क्लियर करके रखना, सारे पैटर्न को लगाने का तरीका सेम है, सिर्फ शार्क पैटर्न को छोड़कर। अभी जैसे हम लोग डीप क्रैप समझ जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग समझेंगे शार्क पैटर्न। तो शार्क पैटर्न के लिए मैं अगले वीडियो बना दूंगा, अभी हम लोग बस दो ही पैटर्न समझेंगे इस वीडियो में। क्रैप हम लोगों ने समझ लिया, अभी हम लोग समझेंगे डीप क्रैप। अब डीप क्रैप में क्या है, रूल्स अलग अलग है, लगाने का तरीका सेम है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, HDFC बैंक के चार्ट पे आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप लोग तो ध्यान से देखना, डेली टाइम फ्रेम में HDFC बैंक है। अब मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक इम्पल्स लेग कंसिडर किया। तो इम्पल्स लेग क्या होता है, हमारा एक्स ए होता है, तो एक्स से हमारा इम्पल्स लेग कम्प्लीट हो गया। ए बी क्या होगा, हमारा 88 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, ए है। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारा एक्स है कंप्लीट, अब नीचे की तरफ क्या बनने वाला है, यहाँ पे बी बनने वाला है। लेकिन ए बी कितना होना चाहिए, ए बी बोलता है मिनिमम 38, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। सॉरी, ए बी कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए एक्स ए का। 38 से 88 ये हमारा बी सी होगा, लेकिन ए बी कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को एक्स ए में फिबोनाची लगाना है तो एक्स का बॉटम ए का टॉप पे लगाना है, और हम लोगों को देखना है कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस एग्जैक्टली, ये जो हमारा रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये 88 का लेवल है। देख सकते हो आप यहाँ पे 88.5 लिखा हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, एग्जैक्टली 88 के लेवल को यहाँ से टच किया और प्राइस यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए बी है, रूल के हिसाब से मार्केट ने इसको यहाँ पे फुलफिल कर दिया, मतलब ये जो हमारा बी कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रूल। अब बी के बाद हमारा टॉप पे क्या बनने वाला है, सी बनने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए, बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। तो ए बी पे ध्यान देना, ये हमारा क्या है, ए बी है। ए बी का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए मिनिमम 38, मैक्सिमम 88। फिबोनाची कैसे लगाएंगे, ए से लेके बी तक लगाएंगे, इतना तो अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप देखो 88 मिनिमम कितना बोलता है, मिनिमम बोलता है 38, मैक्सिमम कितना 88। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस जो ऊपर से यहाँ से गया है, तो आपको येलो वाला लाइन दिख रहा है 88 का, प्राइस यहाँ से भी नीचे आ जाता तो काम करता, 50 से भी आता काम करता, 61, 78 कहीं से आ जाए काम करे, मैक्सिमम ये 88 का लेवल है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे खुला और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होते हैं, गैप अप गैप डाउन भी होते हैं। मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया था कितने तारीख को, 17 जनवरी को, लेकिन उसके बाद मार्केट किसी भी पॉजिटिव न्यूज के कारण बहुत बड़ा यहाँ पे गैप अप खुला था इसमें। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, गैप अप होने के बाद क्या मार्केट यहाँ से एक भी जरा सा ऊपर की तरफ गया, नहीं गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा थे।
मार्केट 88 के लेवल के ऊपर खुला लेकिन यहाँ से डायरेक्ट गिर गया। अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देता तो पैटर्न यहाँ पे हमारा फेल हो जाता, लेकिन देखो इसमें हाई बना ही नहीं है, जहां से ओपन हुआ है वहीं से डायरेक्ट फॉल कर गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि हमारा एक्स ए कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा एक्स ए, ये ए बी, ये बी सी, ये हमारा क्या है सी डी। अब देखेंगे रूल सी डी कितना होना चाहिए। बोलता है सी डी आपका मिनिमम, सॉरी 1.618 ही होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम इसमें कुछ भी नहीं होगा। सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा क्या था एक्स ए था। अब अगर हम लोग इसमें फिबोनाची लगाएंगे तो एक्स से लेकर एक तक लगाएंगे और 1.618 के लेवल को देखेंगे। आपको दिख रहा है ये हमारा 1.618 का लेवल है, ये हमारा डी पॉइंट बनता है। तो अभी हम लोगों ने रफली ड्राइंग बना के समझ लिया कि हाँ यहाँ पे पैटर्न के रूल को मार्केट फुलफिल कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टूल की लेता हूँ और यहाँ पे पैटर्न को फिट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे वही नंबर दिखाएगा जो आपने फिबोनाची पे लगाया था। ये हमारा 88 का लेवल पहले ही मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा 88 होना चाहिए, ये मिनिमम 38 मैक्सिमम 88। तो मैं इसको एग्जैक्टली 89, 88 एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कितना होना चाहिए, 1.61 होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो 1.61 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा पहले से सपोर्ट का भी लेवल है। एंट्री कहाँ करना है, डी पे करना है। तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक पीआरजेड जोन बनाना है। पीआरजेड जोन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीआरजेड, जहां से प्राइस क्या होता है रिवर्स करता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था ये चीज। अब आपको क्या करना है, डी पॉइंट पे आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाना है। अब आपको यहाँ पे टारगेट को मार्क करना है। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, पॉइंट बी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट को मार्क कर देता हूँ। सेकंड टारगेट आपका पॉइंट सी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी आपको बस एक ही टारगेट दिया। तो मार्केट आपको एक टारगेट दे, दो टारगेट दे, कोई दिक्कत नहीं। आपको फर्स्ट टारगेट मार्केट कितना जल्दी देता रहा आपको यह ध्यान देना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन करोगे। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैंडल देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैमर भी बना है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद अगर सपोर्ट के पास हैमर बन जाए। और अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड करोगे ना, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो हमारा हैमर होता है एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल का जो हमारा लो होगा हैमर का, वही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 11 पॉइंट का और टारगेट है आपका 50 पॉइंट का। कितने दिन में मिला, आपने 3 फरवरी को एंट्री किया, ये 4 और ये 5, 2 दिन के अंदर में आपको फर्स्ट टारगेट HDFC बैंक में 52 पॉइंट का मिल गया। उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ये भी टारगेट मिल जाएगा। अगर आपका एक भी कैंडल, अगर मान लो ये अभी आपका ये वाला लो स्टॉप लॉस है, फिर इसके बाद ये कैंडल बना, अभी आपको क्या करना है इसी का लो स्टॉप लॉस डाल देना। इस कैंडल ने हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पोजिशन को इसका रफ कर दो, क्योंकि आपको 52 पॉइंट 2 दिन के अंदर में मिल चुका है। तो ये हमारा था डीप क्रैप हार्मोनिक पैटर्न, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। रूल्स अलग अलग है, लगाने का तरीका सेम है। अगर आपने पहले का लेक्चर से देखा होगा तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर आपने नहीं देखा तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे भेज दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गए, सारे पैटर्न्स के आपने लेक्चर्स देखा है, तो आपको पता होगा कि इसकी क्या एक्यूरेसी और मार्केट में कितना अच्छा वर्क करता है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल बैट बता दिया, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब मैंने समझा दिया। अब सिर्फ शार्क पैटर्न बचा हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। शार्क पैटर्न को लगाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स होगा कमेंट में बता देना, नहीं क्लियर हो पा रहा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डाउट सेशन कर लेंगे। वहाँ पे आप अपने गूगल मीट पे जो मैं लाइव क्लास करता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।